आप इनकी क्रैमिंग करना चाहें कि रिएक्शन को आप क्रैम करके याद करें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे रिएक्शंस को याद करना। इसलिए रिएक्शन को लर्न करना, समझना, और इसके समझने के लिए ये टिप्स आप लोगों के साथ मेरे बच्चों में शेयर कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट टिप, एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड और बेसिस को व्हेन वी मिक्स विद ईच अदर, दे हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेसिस एंड दे फॉर्म वाटर। दिस रिएक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इज बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड का हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन, दे रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। वन हाइड्रोजन आयन एंड वन हाइड्रोक्साइड आयन, दे विल फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। टू हाइड्रोजन आयन, टू हाइड्रोक्साइड आयन, दे विल फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। थ्री जितने हम हाइड्रोजन, ये 1:1 से कंबाइन होंगे। अगर 1 हाइड्रोजन आयन है, 1 हाइड्रोक्साइड आयन है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। 2 हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोक्साइड आयन, दे विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 3 हाइड्रोजन आयन, 3 हाइड्रोक्साइड आयन, दे विल फॉर्म 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक तो ये टिप आपने जहन में रखना है। सेकंड, कुछ रेडिकल्स ऐसे हैं कि जिनको रिकॉग्नाइज करना और इनकी वैलेंसीज को, क्योंकि आगे साल्ट की फॉर्मेशन में साल्ट का फार्मूला आपको चाहिए होगा, तो उसके लिए ये आपको आने चाहिए कि कार्बोनेट रेडिकल CO3-2, हाइड्रोजन कार्बोनेट रेडिकल HCO3-1, देन सल्फेट रेडिकल SO4-2, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4-1, फास्फेट रेडिकल, इसकी वैलेंसी -3 PO4, डाइहाइड्रोजन फास्फेट, इसकी वैलेंसी -1, फिर मोनोहाइड्रोजन फास्फेट, इसकी वैलेंसी -2, और अमोनियम आयन, इसकी वैलेंसी +1। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड, मेटल्स की वैलेंसी, ग्रुप वन के जो मेटल्स हैं, ग्रुप वन ए के जो मेटल्स हैं, इनकी वैलेंसी होगी +1। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है। ग्रुप टू के जो मेटल्स हैं, 2A के जो मेटल्स हैं, उनकी वैलेंसी होगी +2। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेशियम, कैल्शियम, बेरियम, इनमें कोई भी मेटल होगा उसकी वैलेंसी क्या होगी? +2। और जो ग्रुप थ्री के मेटल्स हैं, ग्रुप थ्री ए का, जिस तरह एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है। तो ये तीन चीजें आपने जहन में रखनी है, ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के मेटल्स की वैलेंसीज, प्लस इन रेडिकल्स की वैलेंसीज, प्लस एसिड बेस रिएक्शन, व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस, दे विल फॉर्म साल्ट एंड वाटर। द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मेरे बच्चों, हम शुरू करेंगे सबसे सिंपलेस्ट एसिड और सबसे सिंपलेस्ट बेस। सिंपलेस्ट एसिड जो एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम रखता है, सिंपलेस्ट बेस जिसमें एक OH आयन हो, तो हम शुरू करेंगे HCl से। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH। अब इस रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए आसान मेथड ये है, आप स्प्लिट कर दें, आप स्प्लिट कर दें। HCl प्रोवाइड करेगा एक H पॉजिटिव आयन और एक क्लोराइड आयन। NaOH आयनाइज होके रिलीज करेगा एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन। अब आपने ये स्प्लिट कर दिए, तो इस स्प्लिटिंग में आपने देखने हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन्स की नंबर सेम होने चाहिए फॉर नॉर्मल साल्ट। अब आप देख रहे हैं यहां देयर इज वन हाइड्रोजन आयन एंड वन हाइड्रोक्साइड आयन। व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म H positive and OH, when they react, they form water, H2O. हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया H2O. अब हमारे पास पीछे कितने आयंस रह गए? दो, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। जब हम फार्मूला लिखेंगे बच्चों, तो पॉजिटिव आयन को लेफ्ट साइड पे और नेगेटिव आयन को राइट साइड पे हमने लिखना है। तो पॉजिटिव आयन सोडियम लेफ्ट साइड पे +1, नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन राइट साइड पे -1। इनकी ये +1 -1 कैंसिल,
तो NaCl इसका फार्मूला आ गया। अब हमने यहां साल्ट लिख लिया NaCl प्लस H2O, ये एसिड बेस रिएक्शन में इस तरीके से आपने उसको कंप्लीट करना है। अब आ जाते हैं ऐसे एसिड जिसमें दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं और ऐसे बेसिस जिसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट से हम शुरू करेंगे H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस। अब अगर आप गौर से देखें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2 इट मींस इट कंटेन्स टू आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स, तो इसको स्प्लिट कर दें। आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन कितने रिलीज करेगा, दो, और एक सल्फेट आयन SO4 उसकी वैलेंसी क्या है -2। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने स्प्लिट कर दिया कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, कैल्शियम आयन की फिर वैलेंसी क्या होगी +2, तो कैल्शियम आयन +2। और अब हाइड्रोक्साइड आयन OH होल ट्वाइस है, इट मींस देयर आर टू हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये दो हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये एसिड है ये बेस है, इनको हमने मिक्स किया तो एसिड के H पॉजिटिव आयन और बेस के OH नेगेटिव आयन दे विल रिएक्ट एंड दे विल फॉर्म वाटर। अब वन हाइड्रोजन एंड वन हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बट देयर आर टू हाइड्रोजन आयन एंड टू हाइड्रोक्साइड आयन, दे विल रिएक्ट एंड फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो एक तो ये हमारे पास वाटर के टू मॉलिक्यूल्स आ गए। अब पीछे हमने देखना है कौन से आयन रह गए, ये पॉजिटिव आयन कैल्शियम और नेगेटिव आयन सल्फेट। लिखते वक्त फार्मूला डेवलप करते वक्त मैंने क्या रूल आपको बताया, पॉजिटिव आयन को लेफ्ट साइड पे और नेगेटिव आयन को राइट साइड पे। तो पॉजिटिव आयन कैल्शियम है +2, नेगेटिव आयन सल्फेट है SO4 -2, +2 -2 कैंसिल, तो साल्ट का फार्मूला क्या आया CaSO4, तो दैट इज द साल्ट। ऐसे रिएक्शन को इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो ये अब पहले HCl और NaOH का रिएक्शन, यानी वन आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम विद वन रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन। अब सल्फ्यूरिक एसिड इट कंटेन टू आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट हैज टू रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, उनका रिएक्शन हमने लिया। अब नेक्स्ट एसिड से हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट एसिड जिसमें तीन आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं, दैट इज फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसके साथ बेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। अब हम इनको स्प्लिट करेंगे क्योंकि आयनाइज फॉर्म में H3PO4, H3 का मतलब क्या है, इट कंटेन्स थ्री आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, सो इट विल आयनाइज टू फॉर्म थ्री हाइड्रोजन आयन, वन फॉस्फेट आयन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी स्प्लिट होगा एल्यूमिनियम आयन, और एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है, इसकी वैलेंसी क्या होगी +3, तो एल्यूमिनियम विद +3 आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास कितने आ रहे हैं OH होल थ्राइस में, 3 हाइड्रोक्साइड आयंस। अब सबसे पहले हमने वाटर बनाना है, 3 हाइड्रोजन आयन एंड 3 हाइड्रोक्साइड आयन, व्हेन दे रिएक्ट, जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल फॉर्म 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। There are 3 hydrogen ion and 3 hydroxide ion. When they interact, they react, they will form 3 molecules of water. पीछे कौन से आयन रह गए, दो, एक एल्यूमिनियम कैटायन और एक फास्फेट एनायन। अब फार्मूला हमने डेवलप करना है, पॉजिटिव आयन लेफ्ट साइड पे Al +3, नेगेटिव आयन फास्फेट राइट साइड पे -3, +3 -3 कैंसिल, एल्यूमिनियम फास्फेट का फार्मूला AlPO4 आ गया, तो यहां हम लिख लेंगे AlPO4, ये एल्यूमिनियम फास्फेट का फॉर्मूला आ गया। अब ये ऐसे एसिड थे जिनमें ऐसे एसिड और बेस रिएक्शन थे जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल थे, तो इनमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ी, आपने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद पहला आपने क्या बनाना है, वॉटर, उसके बाद जो रिमेनिंग आयन रह जाएंगे पॉजिटिव आयन लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आयन राइट साइड पे, वो आपका साल्ट बन जाए। अब आ जाते हैं ऐसे रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की नंबर डिफरेंट होती है,
फॉर एग्जाम्पल एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड है, इट कंटेन टू आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, अगर इसका रिएक्शन हो एन ए ओ एच के साथ, तो इस रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटीज होंगी। नंबर वन, इसको हम आयनाइज करते हैं, हाइड्रोजन आयन एच टू कितने होंगे, दो, एक होगा इसमें सल्फेट आयन एसओ फोर माइनस टू, अब इसको स्प्लिट करें, एक सोडियम आयन, दूसरा एक हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हम हाइड्रोजन आयन टू है और हाइड्रोक्साइड आयन वन है, अगर हम इसी कंडीशन में इससे वाटर बनाएं, तो वन हाइड्रोजन आयन और वन हाइड्रोक्साइड आयन दे विल रिएक्ट एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। अब हमारे पास उस मीडियम में कितने आयन रहेंगे, एक हाइड्रोजन आयन, एक सल्फेट आयन और एक सोडियम आयन। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे सोडियम आयन Na+, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट सल्फेट आयन SO4 माइनस टू। अब ये देख ले बेटा, प्लस वन प्लस वन प्लस टू और माइनस टू, ये कैंसिल हो गए, तो साल्ट का फार्मूला क्या आया, NaHSO4, ये आपका साल्ट बना NaHSO4। नाउ वी कॉल दिस साल्ट एज एन एसिडिक साल्ट, इस साल्ट को हम क्या कहेंगे, एसिडिक साल्ट, क्यों, बिकॉज इट कंटेन्स आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, इसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है। लेकिन इसी रिएक्शन की दूसरी पॉसिबिलिटी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को हम बैलेंस अगर करें, अगर हाइड्रोजन आयन टू है तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन भी टू होने चाहिए फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। देखो बच्चों, ये स्प्लिट होगा, इट विल रिलीज टू हाइड्रोजन आयन वन सल्फेट आयन। अब फॉर टू हाइड्रोजन आयन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वी नीड टू हाइड्रोक्साइड आयन्स, वन यूनिट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट प्रोवाइड्स वन हाइड्रोक्साइड आयन, बट फॉर टू हाइड्रोक्साइड आयन वी यूज टू फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन। अब इस टू का मतलब क्या है कि सोडियम आयन भी टू हो गए आपके पास दो, और हाइड्रोक्साइड आयन्स भी आपके पास हो गए दो। ये टू हमने तब लगाया फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन टू गेट अ नॉर्मल साल्ट, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से एसिडिक साल्ट बना था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अब फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, टू हाइड्रोजन आयन एंड टू हाइड्रोक्साइड आयन, व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहां आ गया 2H2O। अब आपके पास दो पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, दो पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, Na plus, Na plus, SO4 minus 2, plus 1, minus 2 cancel, सोडियम के दो आयन्स हैं, तो इसकी जगह जब हम फार्मूला डेवलप करेंगे तो वी विल राइट Na2SO4। अब बेटा आप लोग चाहते हैं कि टाइम जाया हो, वेस्ट हो, फिर मैं मैसेज रीड करूं और फिर आपको रिप्लाई करूं, तो कोई बात नहीं, चलें फिर मैं देखूंगा अपनी बात कंप्लीट करने के बाद। कभी कभी मेरे जहन में नहीं होता कि मैं चैट को देख लूं, क्योंकि बोर्ड की तरफ मेरी सारी कंसंट्रेशन होती है आपको समझाने के लिए, तो इट विल बी बेटर टू रेज योर हैंड्स एंड देन मेरे लिए भी आसानी होगी कि दोबारा चैट में जाएं, उसको रीड करें, उसमें टाइम जाया करने की बजाय मैं डायरेक्ट कोई आपसे क्वेश्चन लूंगा, आप डिस्कस करेंगे, बोर्ड आपके सामने है। लेकिन बहरहाल चलें, आप जिस तरह मुनासिब समझते हैं बच्चों। अब दो सोडियम के आयन हैं Na2 और एक सल्फेट SO4, तो ये जो साल्ट हमारे पास आया Na2SO4 सोडियम सल्फेट का। अब ये जो सोडियम सल्फेट साल्ट है, ये एक नॉर्मल साल्ट है बेटा, इसमें टेस्ट के भी आ जाएंगे ना मेरी बेटी, सिर्फ टेस्ट ही क्या आपको समझा दूं, क्या एग्जाम में सिर्फ टेस्ट ही वाले न्यूमेरिकल इक्वेशंस आएंगे, एग्जाम में सिर्फ टेस्ट वाले तो नहीं आएंगे ना बेटा। मैं तो आपको बेसिकली समझा रहा हूं कि एसिड बेस रिएक्शन को बैलेंस और न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। आप मुझे बस सिर्फ एक ही चीज पे रखना चाह रही हैं कि सिर्फ मैं वही चीजें कराऊं जो टेस्ट में गिवन हो। ये जरूरी है क्या कि जो टेस्ट में मैंने रिएक्शन दिए हैं वही एग्जाम में आ जाए? एग्जाम में अगर कोई डिफरेंट आ जाए फिर आप क्या करेंगे? अभी ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं,
आपको होमवर्क दूंगा कि वो उसको खुद बैलेंस कर दे। तो आप डबल काम कर रही हो बेटा, एक तो मुझे इरिटेट कर रही हो बाय मैसेजिंग, एंड सेकंड आप ये कर रही हो कि आप चाहती हो कि सिर्फ मैं आपको वही चीजें बताऊं, मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर ना बताऊं। आप मेरी डिपेंडेंट ना रहे बेटा, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको पता हो कोई भी रिएक्शन आपके सामने एसिड बेस आएगा उसकी बैलेंसिंग और उसकी कंप्लीशन आपको आएगी मेरी बेटी। तो इसीलिए पहली बात तो ये करें कि आप क्वेश्चन जब करते हैं तो काइंडली रेज योर हैंड्स, क्योंकि इस पे मेरी बेटी पे टाइम लगेगा। तो अब थोड़ा सा बेटा मॉरल करेज आप रखें और आप अब बता दें कि अब आपका क्या क्वेश्चन है। जी बेटी समरन। सर जैसे आपने क्वेश्चन दिया था उसमें जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे तो उसमें हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे या जो एसिडिक सॉल्ट वगैरह बनता है वैसे करेंगे? उस क्वेश्चन में बेटी मैंने ये बात नहीं बताई थी, उस क्वेश्चन में मैंने ये बात डिस्कस नहीं की थी मेरी बेटी कि आप एसिडिक बनाएं या नॉर्मल बनाएं। इट मींस आपकी मर्जी है, आप एसिडिक साल्ट भी बना सकते हैं अगर बन सकता है या नॉर्मल भी बना सकते हैं। आप बेसिक साल्ट भी बना सकते हैं और नॉर्मल साल्ट भी बना सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। उसमें आपके ऊपर मतलब ये कंपल्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बेटा एक ऐसा मैकेनिज्म दे रहा हूं कि जिसको यूज करके आप एसिडिक भी बना सकेंगे और बेसिक भी बना सकेंगे। अब आपको समझ आ गई मेरी बेटी? यस सर। ओके ओके बेटा, तो ये तो हो गया, नॉर्मल साल्ट बन गया और ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई। जितने हाइड्रोजन आए थे उतने हाइड्रोक्साइड हमने किए और इसके लिए हमने ये टू कोफिशिएंट यूज किया ताकि हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन इक्वल हो और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इस तरीके से बेटा दूसरे भी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके सामने ऐसे एसिड हो और ऐसे बेसिस हो कि जिनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसिड है H3PO4 और बेस आपके पास है CaOH whole twice। अब यहां भी आपके पास मेरे बच्चों दो पॉसिबिलिटीज होंगी। एक तो यह है कि एज इट इज इनको यूज करें और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन को इक्वल रखें। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे करना हो, अब ये देख ले हाइड्रोजन आयन कितने हैं 3 और एक फास्फेट आयन PO4-3। अब इसको हमने ब्रेक किया, एक कैल्शियम आयन आया और आगे दो हाइड्रोक्साइड आयन। आपको मैंने एक बात बताई थी बच्चों कि सबसे पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का रिएक्शन करवा दिया करें, वाटर बना लिया करें। अब आप देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं 2। अब जाहिर है 2 हाइड्रोक्साइड आयन 3 हाइड्रोजन आयन को तो बैलेंस नहीं कर सकते ना, न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। फॉर 2 हाइड्रोक्साइड आयन वी नीड 2 हाइड्रोजन आयन, ये आपस में रिएक्ट करेंगे वाटर के। अब हमने देखने हैं 2 हाइड्रोजन आयन एंड 2 हाइड्रोक्साइड आयन, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल बन गए 2। हम सबसे पहले यहां 2H2O लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि रिमेनिंग आयन्स कितने रह गए, एक कैल्शियम आयन, एक हाइड्रोजन आयन और एक फास्फेट रिंग। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, पहले कैल्शियम आयन प्लस 2, फिर हाइड्रोजन आयन प्लस 1, फिर फास्फेट आयन PO4-3। अब प्लस 2 प्लस 1 क्या हो गया बेटा, प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो गए, तो जो साल्ट बना उसका फार्मूला क्या था, CaHPO4। अब ये साल्ट बना CaHPO4, वी कॉल इट द एसिडिक साल्ट बिकॉज इट कंटेन्स आयनाइजेबल हाइड्रोजनेट। ये इसकी बैलेंसिंग नहीं की, सिर्फ कंप्लीशन मैंने की इन्हीं कंडीशंस में रहते हुए। मैंने बैलेंसिंग नहीं की, सिर्फ उसी रिएक्टेंट्स को उसी रेशियो से मैंने रिएक्ट करवा दिया तो एसिडिक साल्ट बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जितने हाइड्रोजन आयन है उतने हाइड्रोक्साइड आयन्स हो। अब अगर आप देख रहे हैं यहां हाइड्रोजन आयन 3 है और हाइड्रोक्साइड आयन 2 है, ये 3 और 2 एक दूसरे के मल्टीपल सब मल्टीपल तो है ही नहीं,
लेकिन 3 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 6। तो इसका मतलब ये है कि हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन 6 रखने हैं, 2 into 3। तो इसलिए इस 6 करने के लिए इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 2, यहां मैं 2 लगा दूंगा कोफिशिएंट। 2 into 3 तो हाइड्रोजन आयन कितने हो गए, 6। अब यहां 6 हाइड्रोजन आयन के लिए फिर हाइड्रोक्साइड आयन भी 6 होने चाहिए बेटा। तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए 3 से, तो यहां हम 3 कोफिशिएंट यूज करेंगे। अब बेटा 2 into 3 तो हाइड्रोजन आयन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन आयन। और ये 2 इस फास्फेट के लिए भी है, ये जो 2 हम लगाते हैं ना, इस हाइड्रोजन के लिए भी है और इस फास्फेट के लिए भी है। तो अगर फास्फेट के साथ इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि फास्फेट आयन 2 हो गए आपके, PO4-C2 आयन, जबकि हाइड्रोजन आयन कितने हो गए, 6। इस तरह बच्चों अब 3Ca, तो इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम आयन आपके पास कितने हैं, 3 Ca। और 3 into 2, 6, तो हाइड्रोक्साइड आयन आपके पास कितने हो गए, हाइड्रोक्साइड आयन आपके पास आ गए 6। अब मेरे बच्चों 6 हाइड्रोजन आयन एंड 6 हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन दे कंबाइन दे विल फॉर्म 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो मेथड आपको समझाया था मेरे बच्चों कि सबसे पहले वाटर बना लिया, वाटर के 6 मॉलिक्यूल बन गए, अब हमने देखना है रिमेनिंग आयन कौन से है, कैल्शियम। कैल्शियम के कितने आयन्स हैं, कैल्शियम के 3 आयन्स हैं, तो ये हो जाएगा Ca3। फास्फेट के कितने आयन हैं, 2, तो फास्फेट PO4 होल ट्वाइस, ये इसका फार्मूला आ गया। अगर आप वैलेंसी के बेस पे इसका फार्मूला डेवलप करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम आयन इसकी वैलेंसी +2, फास्फेट आयन PO4 इसकी वैलेंसी -3। अब इनको हम क्रॉस ले जाएंगे, ये 2 यहां आ जाएगा, 3 यहां। अगर 3 यहां आप लेके आएंगे तो ये हो जाएगा Ca3, और 2 यहां लेके आएंगे तो वो फास्फेट पूरे ग्रुप को ब्रैकेट में इनक्लोज करके यहां 2 लगा दें, तो ये बन जाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये आपका मेरे बच्चों बन गया साल्ट। तो इस पोजीशन में कि अगर आपके पास ये 2 पॉसिबिलिटीज मेरे बच्चों आ गई, नंबर 1 कि अगर आप हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज फॉर एग्जांपल नहीं करते, इक्वल नहीं करते तो पोजीशन होगी, और अगर आप उनको बैलेंस करना चाहते हैं तो फिर इनको इस तरीके से कोफिशिएंट यूज करके इनको बैलेंस करें, फिर आपके पास जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से नॉर्मल साल्ट बनेगी। जी इकरा, इससे आप ये वाला स्टेप दोबारा समझा दें जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कर रहे हैं। जी जी बेटी, मैं समझ गया। इस रिएक्शन की बेटी आपको समझ आ गई है, इकराजीन? ओके, अब मैंने आपको बताया बेटा कि कैल्शियम और फास्फेट आयन आ गए, और आपने क्वेश्चन किया कि सर कैल्शियम और फास्फेट का फार्मूला डेवलप करने के लिए कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करते हैं। कैल्शियम बेटा ग्रुप 2 का एलिमेंट है और इसकी वैलेंसी क्या है, +2। फास्फेट आपको मैंने बेटा यहां बताया है, मैंने आपको पहले शुरू में कहा था कि ये रेडिकल्स आपको याद करने होंगे, तो ये फास्फेट है, इसकी वैलेंसी है -3। मैंने आपको बताया बच्चों कि जब आप फार्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पॉजिटिव आयन को लेफ्ट साइड पे और नेगेटिव आयन को राइट साइड पे लिखते हैं। अब फार्मूला कंस्ट्रक्ट करते हुए हम इनके साइन जो है प्लस और माइनस इनको इग्नोर कर लेंगे, ये जो इनके नंबर है डायगोनली ऐसे आ जाएंगे। ये जो फास्फेट का 3 है ये कैल्शियम के नीचे, और ये जो कैल्शियम का 2 है ये फास्फेट के नीचे आ जाएगा। अब कैल्शियम के नीचे ये 3 आप ले आए तो क्या बना, Ca3। अब फास्फेट के नीचे 2 है और फास्फेट सिंगल एटम नहीं है बेटा, फास्फेट इज नॉट अ सिंगल एटम, फास्फेट सिंगल एटम नहीं है, ये एक रेडिकल है, ग्रुप ऑफ एटम है। इसलिए इस पूरे फास्फेट को PO4 को हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे, और वो जो 2 हम ला रहे हैं उस ब्रैकेट के राइट बॉटम पे हम ये लिखते। तो ये बेटा इस तरीके से डेवलप होता है
फार्मूला इकरा बेटी, अब आपको समझ आ गई मेरी बेटी? ओके आपको बेटी समझ आ गई इकरा अजीम? ओके मेरा बेटा ओके। अच्छा एक बच्ची को, वो बच्ची गायब हो गई, उमामा है शायद उसका नाम, उमामा उमामा रिजवान। सो इफ उमामा रिजवान इज देयर एंड शी इज लिसनिंग टू मी, देन प्लीज इफ यू रेज योर हैंड्स। मेरी बेटी आई वॉन्ट टू हैव सम वर्ड्स विद यू। उमामा रिजवान, उमामा रिजवान मेरी बेटी, आई हैव अनम्यूटेड यू। जी बेटी। अच्छा मेरी बेटी आप परेशान ना हो, कभी कभी जाहिर है अब हम बुढ़े हो गए थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं ना मेरा बेटा, लेकिन वो मैं ये कह रहा हूँ ना फिर टाइम वेस्ट होता है। आप यू कैन रेज योर हैंड मेरी बेटी एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और मुझे तो खुशी होती है, मैं तो आपकी क्लास में इतना एंजॉय करता हूँ कि जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, ये मेरे लिए मेरी बेटी सबसे बेस्ट क्लास है पूरे दिन में कि मेरे बच्चे मुझसे कम्युनिकेट करते हैं। तो उमामा बेटी अब आप मुझे बताएं कि ये जो मेथड आपको समझा दिया इसकी आपको समझ आ गई मेरी बेटी? यस सर, यस सर समझ आ गई। रिजवान सर समझ आ गई। अच्छा मेरी बेटी आप मुझे बताएं, अच्छा मेरी बेटी वो जो तीन इक्वेशंस मैंने बताए थे अगर आप मुझे काइंडली बता दें, आपके पास हूं अभी। यस सर, एक्चुअली सेकंड वाली जो इक्वेशन थी उसमें कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा मेरी बेटी फर्स्ट इक्वेशन मुझे बता दो मेरा बेटा। सर PbO4 होल, व्हाट सर? PbOH होल फोर प्लस CH3 ये फर्स्ट। दूसरी बेटा बताएं, AL AL OH होल थ्राइस प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 और नेक्स्ट मेरी बेटी? बस एक दूसरी वाली आपने करा दी है। ओके ओके अब इस तरह करते हैं बेटा, पहले इसको देखते हैं। अब मेरी बेटी उमामा आपके पास मेरी बेटी दो चॉइसेस हैं, या तो एज इट इज बगैर कोई कोएफिशिएंट लगाए इसको यूज करें, या फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन को इक्वलाइज करें। पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को अवेल कर रहा हूं। लेड है, लेड यहां OH की वैलेंसी अभी मैंने आपको बताई थी माइनस वन है, तो OH अगर फोर है तो इसका मतलब है माइनस फोर, तो माइनस फोर को बैलेंस करने के लिए लेड की वैलेंसी फिर क्या आई बेटी? प्लस फोर। ये आपके पास एक लेड आया। अब हाइड्रोक्साइड आयन मेरे बच्चों, इसमें आपके पास आ गए फोर। अच्छा ये अगर इसमें प्लस फोर में आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये देख ले कि कंपाउंड में सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप ये देख लें माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, इन चारों का नेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? माइनस फोर। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? प्लस फोर। इसके जरिए भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बेटा इसको देखें, इस कंपाउंड में ये जो हाइड्रोजन के एटम है दे आर नॉट आयनाइजेबल, ये हाइड्रोजन एटम आयनाइजेबल है, ये स्प्लिट होगा, एक हाइड्रोजन आयन ये रिलीज करेगा और एक एसीटेट CH3COOH- H2O। अब हमने देखना है मेरी बेटी कि हमारे पास रिमेनिंग क्या चीज है, एक लेड आयन प्लस फोर, तीन हाइड्रोक्साइड आयन और एक एसीटेट आयन। तीन हाइड्रोक्साइड आयन की नेट वैलेंसी माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री और ये माइनस वन माइनस फोर और लेड की प्लस फोर। अब इसमें आ जाएंगे, एक तो लेड आ गया और हाइड्रोक्सी रेडिकल कितने रह गए हमारे पास? थ्री, वन टू थ्री, तो यहां थ्री लिखे, ये एसीटेट आयन CH3
सी डबल ओ आ गया आपके पास। अब ये जो साल्ट इस कंडीशन में बना, ये बना पी बी ओ एच होल थ्राइस सी एच थ्री सी डबल ओ, इसको हम क्या कहेंगे, लेड हाइड्रोक्सी एसिटेट। जी बिटिया, उमामा बेटी आप शायद कुछ पूछना चाह रही हो। उमामा डू यू फील एनी कंफ्यूजन? उमामा सर, इसमें हमारे पास चॉइस होती है कि हम नॉर्मल सॉल्ट बनाएं या फिर बेसिक एसिडिक सॉल्ट बनाएं। वेल, जैसे कल का क्वेश्चन था तो उसमें मैंने कोई ऑप्शन दी नहीं थी ना कि आप एसिडिक बनाएं या नॉर्मल बनाएं। यस सर। तो इसमें फिर आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसे आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन हो और बताए कि भाई बेसिक सॉल्ट बनाए, तो फिर आप ये बेसिक सॉल्ट इस फर्स्ट ऑप्शन को अवेल करें। लेकिन अगर ये नहीं बताया है कि बेसिक बनाए या आप नॉर्मल बनाए, तो फिर आपकी मर्जी है उसको आप इक्वलाइज करें या ना करें। जी मेरी बेटी मिनाहिल जफर। सर ये H3 क्यों नहीं आयनाइज हो सकता? अच्छा बेटा, ये जो कंपाउंड है CH3 COOH, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। मनाहिल अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करें तो ये CH3, ये कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन आए। और बेटी आपने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है ना स्कूल में, तो आपने क्लासेस ली होंगी, तो ये CH3 और C डबल O और ये O और ये H, क्लियर? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है एसिटिक एसिड का, इस एसिड का। अब बेटा वो हाइड्रोजन आयनाइज होगा जिसके ऊपर पार्शियल चार्जेस हो। पार्शियल चार्ज सिर्फ इस हाइड्रोजन के पास है, के ऊपर है, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ये जो हाइड्रोजन एटम है, दे आर नॉट पार्शियली चार्ज्ड, सो दे आर नॉट आयनाइजेबल। ओनली दिस हाइड्रोजन विच इज अटैच, विच इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एटम, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इट बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज ब्रोकन डाउन बाय वॉटर मॉलिक्यूल एंड इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो मिनाहिल मेरी बेटी, अभी आपको समझ आ गई? जल्दी। अब फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि भैया आप नॉर्मल साल्ट बनाए। तो देखो बेटा, अगर लेड का एक आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन 4 है, तो फिर हाइड्रोजन आयन भी 4 होने चाहिए। एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, तो यहां हम 4 लगा देंगे, तो आपके पास अब एसिटेट भी 4 हो गए, CH3COOH, और हाइड्रोजन आयन भी आपके पास 4 हो गए। नाउ 4 हाइड्रोक्साइड आयन एंड 4 हाइड्रोजन आयन, व्हेन दे रिएक्ट दे विल फॉर्म 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 4H2O। अब मेरी बेटी आपके पास पीछे क्या बच गया, एक लेड और एक एसिटेट। लेड की वैलेंसी क्या है, Pb प्लस 4, और एसिटेट की वैलेंसी CH3COOH क्या है, -1। साइन को इग्नोर करेंगे, इनको क्रॉस ले जाएंगे, तो ये फार्मूला क्या बनेगा, Pb और CH3COOH होल 4, क्योंकि ये 4 इस पूरे रेडिकल के लिए आएगा। तो अब ये जो साल्ट इसमें बना, दैट इज द नॉर्मल साल्ट, लेड एसिटेट CH3COOH whole 4, so that is the lead acetate. तो मेरी बेटी अब आपको समझ आ गई इसकी? ओके बच्चों, आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया, इंशाल्लाह बाकी चीजें कल डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। जी बेटी आप क्या कहना चाह रही है सर, कैन यू प्लीज गिव सम रिएक्शन फॉर आवर प्रैक्टिस? अगर आपको चाहिए तो फिर मैं आपको दे देता हूं, अभी बोर्ड के ऊपर मैं लिख दूंगा, जब आप बोर्ड की पिक्चर शेयर करूंगा तो फिर आपको उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा मेरा बेटा। ओके बच्चों, मिनाहिल आप कुछ